मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से। आज के प्राइम टाइम में हमारे साथ हैं मिस्टर ताहिर एडवोकेट और हम दो मुद्दे पे बात करेंगे। एक टॉपिक पे जो बात होगी वो एनआईए है और दूसरा है जो आईएमए का केस है। दोनों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं एनआईए के बारे में। ताहिर भाई, एनआईए जो था ये लॉ एस्टेब्लिश्ड हुआ था 26 नवंबर 2008 का, जो बॉम्बे के ताज होटल पे आतंकवादी हमले हुए थे। तो उस वक्त जो लॉ था उस लॉ में पुलिस और आईबी, सीआईबी और एटीसी ये लोग तहकीकात करते थे जो आतंकवादी हमले होते थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने सोचा कि इसके लिए अलग से एजेंसी बनाई जाए। उसी वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की फाउंडेशन पड़ा। उसको इसलिए डाला गया कि ये लोग फास्ट ट्रैक पे तहकीकात करेंगे और एक्सक्लूसिव इसी कार्रवाई के लिए बनी थी। और इसके लिए एक कोर्ट का भी अलग से सेटिंग किया गया कि फास्ट ट्रैक में कानूनी कार्रवाई, यही था ना। अब सरकार कुछ इसमें बदलाव ला रही है, तो उस बदलाव के ऊपर थोड़ा आप रोशनी डालिए, क्या क्या बदलाव है। देखिए 2008 में जो एनआईए एक्ट आया था उसमें एक्चुअली बेसिक जो मेन उसका पर्पस क्या था कि जो टेररिज्म जो केसेस टेररिज्म रिलेटेड केसेस रहते हैं वो बहुत सारे ज्यूरिडिक्शंस में होते हैं वो, और उसमें बहुत सारे स्टेट्स के में वर्क होता है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, और स्टेट पुलिस एक दूसरे का भी कोऑर्डिनेट कर पाती करती नहीं, एक दो और इफेक्टिव उसके लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता था। तो ये सारी सब परेशानियों को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल एजेंसी बनाई जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और उसका मेन पर्पस क्या था जो टेररिस्ट से रिलेटेड जो केसेस हैं और दूसरे जो शेड्यूल ऑफेंस में कुछ और भी केसेस डाले थे जो पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस थे, उन ऑफेंसेस को एनआईए इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया था उसमें। और ये एक्ट 2019 तक चल रहा था और इस पर पहली बार उसका फर्स्ट अमेंडमेंट आया है। देखिए जब इसकी जो नीयत थी बनाने की, बहुत अच्छी नीयत थी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशनल लेवल पे टेररिज्म से रिलेटेड केसेस और नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करे, एक अच्छी नीयत। मगर आपने देखा होगा आगे आगे चलकर क्या हो गया, खासतौर पर बीजेपी गवर्नमेंट ने आने के बाद से 2014 के बाद से इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होने लग गया। उस पॉलिटिकल इस्तेमाल होकर उन्होंने क्या बताया, छोटे छोटे मर्डर केस के अंदर भी वो लोग किसी ना किसी बहाने से आ जाते हैं, खैर वो अलग चीज़ है। अभी जो अमेंडमेंट जो प्रपोज किया है, अमेंडमेंट क्या है, वो जो भी इन डिफ़िकल्टीज हो रही थी आज तक इनको एनआईए के इस नया 10 साल के एक्सपीरियंस में, उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया है। इस अमेंडमेंट में जो कि खास बातें हैं, इनमें एक सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो साइबर टेररिज्म जो कि आईटी एक्ट के अंदर डिफाइन था वो शेड्यूल ऑफेंस के अंदर नहीं था। अच्छा। अब उसको भी शेड्यूल ऑफेंस के अंदर डाल दिया है, तो एनआईए का कोई भी साइबर टेररिज्म की एक्टिविटी होती है जिसमें कंप्यूटर या फोन या मोबाइल यूज हो सकती है और उसमें, तो उसको भी वो लोग एज ए साइबर टेररिज्म के में जो सेक्शन है आईटी एक्ट के अंदर, उसके अंदर कोई ऑफेंस होता है वो भी एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है। साथ ही साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का था, आपने देखा होगा लास्ट पिछले 4-5 सालों में बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए थे जहाँ पे एलिगेशन हुआ था कुछ लोग यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों के, हिंदुस्तान के दूसरे लोगों को दूसरी कंट्री में किसी के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे या उनको प्रोत्साहित करते थे। यहाँ के बच्चों को ब्रेन वॉश करके किसी और कंट्री में लड़ने के लिए जो बुला लेते थे, जी वो एक्टिव, तो वो एक्टिव ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसके अंदर भी कवर हो सकती है। पहले वो स्पेसिफिक उसके अंदर कवर नहीं था, ब्लर तौर पर था वो, मगर वो कवर नहीं था वो, क्योंकि अमेंडमेंट बोल के था पहले भी, अमेंडमेंट कॉन्स्पिरेसी बोल के, मगर वो एक डायरेक्ट रेफरेंस में नहीं था, तो डायरेक्ट रेफरेंस वो लेकर आए इस बार। तीसरा एक और क्या है इसमें, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने देखा होगा अभी जैसे श्रीलंका में एक इंसिडेंट हुआ ईस्टर के टाइम में, तो उस इंसिडेंट में कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को टारगेट किया गया। तो ऐसे ही अगर इंसिडेंट हिंदुस्तान के बाहर कि जिसकी मुल्क में किसी भी कंट्री में अगर कभी ये हिंदुस्तानी को टारगेट करने का कोई एक्ट हो और उसकी प्लानिंग चाहे हिंदुस्तान में या बाहर की गई हो, ऐसे एक्ट को भी एनआईए क्या है इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो क्या है, सिर्फ इस एक्ट में क्या बताया, एनआईए का इन्वेस्टिगेशन को स्कोप को बढ़ाया इस अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ जो कि कोर्ट के बारे में मामले में, आप देखिए जैसे कर्नाटका में, पूरे कर्नाटका में एक ही कोर्ट है एनआईए स्पेशल कोर्ट, तो इसका मतलब पूरे कर्नाटका में कहीं पर भी अगर केस हो चलेगा तो क्या होगा कि स्पेशल कोर्ट में, एनआईए स्पेशल कोर्ट में आना पड़ेगा। तो एक एनआईए स्पेशल कोर्ट में एक तो क्या बर्डन भी बनेगा, फिर एक स्पेशल कोर्ट को सेटअप करने का एक प्रोसीजर रहता है, फिर उसमें जजेस को अपॉइंट करने का प्रेशर रहता है। तो इस एक्ट में क्या प्रोविजन दिया अमेंडमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कोर्ट को
स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है और वो एज पर NIA एक्ट वो स्पेशल कोर्ट प्रोसीड हो सकता है। मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई धारवाड़ में कोई इंसिडेंट हुआ जी, तो धारवाड़ के जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए वो आपको बेंगलुरु आने की जरूरत नहीं है, आप धारवाड़ के किसी सेशन कोर्ट को आप स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर करके वहाँ पे उसका ट्रायल चल सकते हैं। ये एक बेसिकली NIA के लॉ के हिसाब से वहाँ कार्रवाई होगी जी। अब ये क्या है, ये छोटे से प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के लिए फाइन ट्यून किया है इसमें, ज़्यादा वैसा कोई नहीं है जो कि हमें लग रहा है ऐसा मीडिया में जितना डिस्कशन आ रहा है, और ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट में इसके एक तो NIA की पावर को बढ़ाया है और उनके जो पावर को एक्सपेंड किया है ये उतना है बस ज़्यादा उसमें। अब उसमें एक और पॉइंट आ रहा है कि अब इनको NIA को एक पावर ऐसा होगा कि पहले जब मान लीजिए कि कोई दिल्ली से टीम आ रही है और बेंगलोर में किसी को पकड़ना है तो यहाँ लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करती थी, अब शायद लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत इनको नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली जो है उसमें एक स्पेशल पावर जो कि इस पुलिस इंस्पेक्टर को रहती है, वो पावर सेम पावर एवरी NIA ऑफिसर विल एंजॉय। और एक और क्या था, पहले NIA ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ ACP यानी DYSP डिप्टी सुपरिंटेंडेंट वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता था, अब SPI ये NIA इंस्पेक्टर भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लोकल पुलिस से परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, कोऑर्डिनेशन तो उसमें लॉ में है वो, मगर वो कई चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है और उसको वो चीज़ें एज ए व्हाट लोकल पुलिस का ऑफिसर जो पावर इंजॉय करेगा सेम पावर ही NIA ऑफिसर भी इंजॉय करेगा बोल के ऐसा एक्ट में है। दूसरा एक और इसमें एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, पहले डिप्टी सुपरिंटेंडेंट लेवल का ही ऑफिसर एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर था किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने का, अब इन्होंने क्या कर दिया कि इस अमेंडमेंट के जरिए जो NIA का एक इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर भी है वो भी टेररिज्म केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ये उसने एक पावर एक्सपेंड किया उनको। अच्छा, मीडिया में एक चीज़ और चल रहा था यार भाई कि एक और इसमें पॉइंट रेज किया जा रहा है कि अगर NIA को किसी के बारे में ये कंफर्म हो जाता है कि नहीं ये इसमें एक्ट में इन्वॉल्व है तो उसके लिए कोर्ट में कार्रवाई नहीं होगी, सीधे उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। देखिए बेसिकली क्या होता है, मैं एक और कल न्यूज़पेपर में आज पढ़ा सुबह स्टोरी कि अमित शाह ने टॉन्ट किया है कांग्रेस वालों को कि पोटा को तुमने रिपील अपने वोट बैंक को बचाने के लिए किया है बोल के, और एक्चुअली ऐसा फैक्ट कुछ भी नहीं है। पोटा में कितना मिसयूज हुआ है सबको मालूम है, इसका पूरा रिकॉर्ड्स है। और दूसरा आपको शायद मालूम नहीं है, बहुत सारे मीडिया वालों को मालूम नहीं है, जो UAP है 2004 2008 और 2012 का जो अमेंडमेंट था वो लास्ट ईयर 7 जनवरी को रिपील हो चुका है। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आज की डेट में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि टेररिज्म से डिले इसको एड्रेस करता हो। ये दूसरा क्या है जो आप जैसा बोल रहे हैं, एक्चुअली पहले क्या था कि सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होती थी, उनका एक प्रोसीजर था, वो ट्रिब्यूनल्स में जाके वो लोग चैलेंज कर सकते थे, मगर अब जो अमेंडमेंट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल ऑल्सो कैन बी डिक्लेयर एज ए टेररिस्ट। अच्छा, पहले तो एक संगठन को बोला जाता है, सिर्फ संगठन को करते थे, अब क्या इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसकी वजह से ये अमेंडमेंट में जितना ह्यू क्राई हो रहा है कि ये कि एक आदमी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट वो कर सकते हैं। तो इसमें मोर और लेस ये लगता है कि NIA को ज़्यादा पावर मिलेगा, तो जब पावर ज़्यादा मिलता है तो थोड़ा कभी मिसयूज़ होने के भी चांसेस हैं। नहीं देखिए, पुलिस को आमतौर पर गवर्नमेंट्स अपने मिसयूज़ करते हैं, हर रूलिंग गवर्नमेंट करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो चाहे XYZ कोई भी हो, मगर जो NIA को जिस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है इसमें देखिए क्या है, जो लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है स्टेट का इस वजह, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की पावर को बाईपास करने के लिए NIA को मिसयूज़ कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो कई स्टेट्स कई केसेस में जहाँ पे स्टेट कुछ और चाहता था मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुओ मोटो पे एक्शन लेके NIA को इम्पोज किया उन केसेस में, और ये पूरे सब पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट केसेस रहते हैं जिनमें सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस के लिए किसी खास लोगों को फंसाना, खास ग्रुप को फंसाना, ये बहुत चलता है। तो जैसे CBI का इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा हो रहा है पॉलिटिकल फील्ड में, वैसा ही क्या है NIA भी मुझे अभी तो ऑलरेडी हो रहा है, और मुझे लग डर लग क्या लग रहा है ये सब ताकतें के साथ NIA का मिसयूज़ और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब ये पूछना चाह रहा हूँ ताहिर भाई कि जब ये सब हो रहा है तो ये बताइए कि लोगों को किस टाइप की चीज़ों से बचना चाहिए कि जिसमें लोगों को ये साबित करना मुश्किल हो, कि क्योंकि कभी कभी बहुत सारे इनोसेंट आपने केस भी लड़ा है कि लोग फंस जाते हैं और बाद में 5 साल 6 साल के बाद पता चलता है कि इस बंदे के अंदर कुछ गलती नहीं थी और उसको छोड़ दिया जाता है, तो जो लोग फंसते हैं उनकी क्या गलती हो गया, किस चीज़ से बचना चाहिए? देखिए जो प्रिकॉशंस लेना है, देखिए एक एज ए आम हिंदुस्तानी जिन लोगों को जिस क्राइम से बुरी चीज़ से बचना हो तो बचना है काम, मगर ये एजेंसीज़ या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी हैं अगर वो किसी को फंसाना चाहें, तुम कितना भी इनोसेंट रहो तुमको फंसा देंगे वो जी। ये हुआ अभी रिसेंटली जो अभी इंसिडेंट हुआ था रामनगर में, कुछ जो वेस्ट बंगाल के लोगों से लाइव बम वो हुआ,
ये पूरा ड्रामा था वो। तो इस गवर्नमेंट चाहे किसी को भी फंसा सकती है, वो NIA हो चाहे लोकल पुलिस हो, वो किसी भी फंसा सकती है वो। मगर गवर्नमेंट लोगों को क्या रखना है, ज़्यादातर आमतौर पर जब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आज सोशल मीडिया की वजह से हम लोग पूरे ऑनलाइन रहते हैं हमेशा जी, और उसमें एजेंसीज की नज़र हमारे ऊपर रहती है। तो सोशल मीडिया में कोई भी हम बेकार की बातें डिस्कस नहीं करना है जिससे कि शक पैदा हो। आपको शायद मालूम होगा या नहीं होगा कि सोशल मीडिया में कुछ कीवर्ड्स हैं, गवर्नमेंट ने ऐसे 1000 कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे ही वो सोशल मीडिया में टाइप होते हैं कोई भी वर्ड, तो सिग्नल जाता है जो एजेंसीज जो इसके ऊपर नज़र रखती हैं, तो वो एजेंसी उस पर्टिकुलर आदमी की के ऊपर कम से कम 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक नज़र रखती है जो भी इस तरह के कीवर्ड यूज़ करता है। फिर अगर उनको शक हुआ तो उस पर और ज़्यादा नज़र रखती है वो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आदमी को फंसाती है। तो मेरा जो मशवरा क्या है, देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, आमतौर पर ऐसे केसेस में 99.99% बिल्कुल मासूम लोग रहते हैं और 99.9% मुसलमान ही उनको फंसाते हैं लोग, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहता, उनकी फैमिली भी उनको डिसओन कर देती है एक सर्टन लेवल के बाद। तो ये जो लोग हैं, ये वल्नरेबल कम्युनिटी है। वल्नरेबल कम्युनिटी को बचाने के लिए एक इफेक्टिव लीगल फोर्स चाहिए जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर नहीं है और पूरे हिंदुस्तान लेवल पे एक लीगल डिफेंडर टीम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर नहीं है। दूसरा, जो कम्युनिटी का जो बैकअप होना चाहिए इनोसेंस के लिए, वो भी इन पे नहीं है। तो बस अभी जो हालात हैं ख़राब हैं, उस हालात ख़राब करने के लिए हमें खुद बहुत चीज़ों से बच के रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हमें सरेंडर कर देना है अपने आप को, या घबरा जाना है या परेशान हो जाना है। हमें कोई भी ऐसी इलीगल हरकत नहीं करनी जिससे कि हम शक के दायरे में आए, और अगर हम उससे बचते रहते हैं तो कोई भी कानून, देखो एजेंसी तुमको फंसा सकती है, मगर उसको प्रूव करना कोर्ट में बहुत मुश्किल होता है कई बार। तो कोर्ट हमारे जो आज भी, इवन इस गवर्नमेंट के दौरान भी, अंडर में भी, हमारे जो कोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट चलते हैं, टू द रूल चलते हैं। तो कोर्ट से आज भी उम्मीद है, मगर ये उम्मीद कब खत्म हो जाए ये मालूम नहीं है। नहीं, अभी तक है तो आगे भी इंशाल्लाह ठीक ही रहेगा। मगर आज भी मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि आज भी कोर्ट से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, और जुडिशरी बहुत ज़्यादा इसमें असर नहीं है जुडिशरी का गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। मगर ये वक्त भी आगे बदल सकता है। मगर इन द होल जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी आम इंसान है वो बुराई से बचना ही चाहिए। बुराई करेंगे तो सबसे पहले उसको खुद का नुकसान होगा, उसको फैमिली को बाद में नुकसान होगा, उसका इंडिविजुअल खुद का। और स्ट्रेंजर से बच के दोस्ती यारी करनी चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है, क्या है कि लोग जानते नहीं हैं और कहीं ना कहीं वो बंदा किसी लिंक में हो या गलत पोस्ट कर रहा है फेसबुक पे, उसके वजह से उसका दोस्त भी फंस जाता है। ऐसे भी केसेस हुए हैं। नहीं, देखिए जो चीज़ें होती हैं बेसिकली ये सारे होते हैं, एक चीज़ में ग्रुप फंस जाते हैं। मगर कोई भी स्ट्रेंजर अगर कोई ऐसा गलत चीज़ कर रहा है, तो पहले उसको अगर कोई भी आपको शक आ रहा है कोई गलत चीज़ में इन्वॉल्व है, तो आप पहले एज ए सिटीज़न आपका काम है उसको पहले इंटीमेट करना अथॉरिटीज़ को। ये सब हम लोग नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। हम इग्नोर करते हैं, बाद में क्या उसके साथ हम भी फंस जाते हैं। तो आप उसको इग्नोर नहीं करना है। और ओवरऑल इसका जो बोलने का जो कंक्लूजन है कि आपको बुराई से बचना है और अपने प्रोग्रेस के लिए कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। तब आप कंस्ट्रक्टिव करोगे तो कोई एजेंसी आपको बुरी तरह बेकार झूठी बातों में फंसाएगी नहीं। ठीक है ताहिर भाई, मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, IMA। तो IMA का कल वीडियो आपने देखा होगा, मंसूर खान ने उन्होंने रोते गाते हुए बोला मैं बीमार हूँ, ये है वो है, और मैं 24 घंटे में आ रहा हूँ। अब बात यह कि 24 घंटे तो गुजर चुका है, उनका कोई अता पता नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे हैरानी हो रही है वीडियो देख के, क्योंकि जैसे मंसूर साहब ने बोला कि मैं 24 घंटे में आ रहा हूँ बोल के, अब लास्ट आपको याद होगा लास्ट वीडियो में क्या बोला था, मैं फ्लाइट में गया था, फ्लाइट में मालूम चला तुम्हें फ्लाइट में ट्रैवल करने की परमिशन नहीं है, तुम अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, इन्होंने कल ऐसा बोला जैसे उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो आ नहीं पाए थे, मेरी तबीयत ठीक हो गई 24 आवर्स में आ जाऊँगा। एक्चुअली फैक्ट क्या है, SID की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है और वो कार्रवाई कर चल रही है, पूरी पेपर कार्रवाई चल रही है जो कि उनको वापस लाने की। ये बात मंसूर साहब को ही मालूम है अच्छे ढंग से, इसी के लिए उन्होंने बोल दिया अपने आप को शहीद साबित करने के लिए मैं आ जा रहा हूँ बोल के। उनको कोई आ नहीं रहे हैं, वो उनको SIT अरेस्ट करके ला रही है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज़ जो उन्होंने जो किया है, मैं तबीयत ख़राब है मेरी माँ, और एक बात हमेशा बोलते हैं मेरी फैमिली को मुझे से कांटेक्ट नहीं हो रहा, मेरी किस हाल में है। देखिए ये सारी चीज़ें इमोशनल बातें हैं, लोग हमेशा इमोशनली फुल बनाने की कोशिश करते हैं। खैर अगर वो आ जाएं, उनकी नीयत सही है, लोगों को पैसा दिला सकें जो कि इम्पॉसिबल है, उनके बोलने से लगता है इसे पॉसिबल है, इसे आते ही गवर्नमेंट उनको दे देगी, लोग भाई आओ मंसूर भाई तुम्हारा पैसा हमने संभाल के रखा था ये ले लो तुम जाके डॉक्टर डिस्ट्रीब्यूट कर दो बोल, मगर ये इम्पॉसिबल चीज़ है। वो आएंगे तो एज ए कल्प्रिट, एज ए एक्यूज आएंगे, फिर वो जेल में जाएंगे, फिर जब तक उनको बेल नहीं मिलती जेल के अंदर ही रहेंगे।
तो उनको कोई भी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, मेरे लीगल अंडरस्टैंडिंग में तो नहीं है कि उनको कोई प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है। अगर उनको मिल जाए किसी करिश्मे से, अब जैसे उनके दोस्त लोग हैं ना बहुत सारे पॉलिटिशियंस, उन पॉलिटिशियन में करिश्मे के साथ अगर उनको मिल गया तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये है दूसरी एक और जो एक चीज़ वो हाईलाइट कर रहे थे कि मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अगर उनके पास इतने असेट थे, अगर उनके पास लिस्ट थी पूरी, जैसे वो बोल रहे हैं कि मेरे पास असेट मेरे लायबिलिटी से ज़्यादा है, तो उनको भागने की ज़रूरत नहीं थी जी, उनको भागने की तो जरूरत हमेशा नहीं। हम लोगों ने वही डिस्कस तो किया ये चीज़ बिल्कुल बेमानी है, लोगों को सिर्फ अपने एक कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बोल रहे हैं। मगर मैं अभी भी क्या उम्मीद करता हूँ, देखिए अगर कोई भी एक अगर इंसान का किसी गरीब इंसान का पैसा अगर मंसूर के आने से मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आ गया तो पैसा मिलेगा तो बहुत अच्छी है, सबसे मैं सबसे ज़्यादा खुश रहूँगा, क्योंकि मुझे खुद विक्टम्स की, मैंने बहुत विक्टम्स से मिला हूँ, उनकी बहुत सारी स्टोरी सुनी है मुझे, तो मुझे बहुत डर और दर्द होता है उनकी स्टोरियाँ सुन के। तो अब ये बताइए कि हमने दो तीन डिस्कशन किए थे और बात हुई थी कि आगे कार्रवाई होगी, तो कुछ लोग आपके पास आए जुड़े, कुछ कार्रवाई हो रही है? नहीं देखिए, लोग तो बहुत आते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो मैसेज भेजते हैं, उन लोगों के बात भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, मगर जो हमारी जो कम्युनिटी है ना, मेजोरिटी जिसमें विक्टिम मुस्लिम्स हैं, मगर वो जो मुस्लिम्स का एक थोड़ा प्रॉब्लम है, वो जो आमतौर पर जल्दी से लीगल वही प्रोसेस में भरोसा नहीं करता। और सबसे पहला सवाल क्या करते हैं, हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो हमें कब तक मिलेगा बोल के। ठीक, ये सवाल उन्होंने मंसूर साहब से नहीं किया कि तुम पैसा हम देंगे तो कब तक हमें पूरा पैसा मिलेगा, वो उसे भरोसा करके पैसे डाल दिए। एक लीगल प्रोसेस है, उसका एक स्वीट टाइम रहता है। अब तक कोई भी इतने जो लोग आके मिले, कभी भी उन्होंने किसी भी एक लीगल प्रोसेस को स्टार्ट करने में इंटेंशन तो दिखाई, पर अब तक एक स्टेप नहीं लिया। और मुझे लग रहा है कि अभी तक शायद, मुझे तो मालूम नहीं है कि पीएल में लोग कुछ इम्प्लीट हुए हैं या नहीं हुए, मुझे मालूम नहीं है, मगर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अब तक कोई भी इसमें पीएल में आज अभी तक एक आदमी भी इम्प्लीट नहीं हुआ है। दूसरा, जो मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे, ईडी प्रोसीडिंग में इंटरवेन करना या विक्योरस लाइबिलिटी के थ्रू कोई प्रोसीडिंग शुरू करना, अब तक कोई भी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है। और मैं बार बार, मैं पहले भी आपको बोला था, ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये टाइम बाउंड प्रोसीडिंग्स हैं। अगर तुम लोग अभी नहीं उसको शुरू करोगे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा आप करना चाहोगे भी तो नहीं कर पाओगे और आपका पैसा, पूरा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि शायद ईडी 90 डेज टाइम देता है ना। ईडी में एक्चुअली क्या है, एक बेनिफिट क्या है, सेम ऐसे ईडी की जो प्रोसीडिंग हुई थी, ये एक रोज वैली केस में ईडी ने बहुत सारी प्रॉपर्टियों को जब्त किया था जी, रोज वैली कंपनी का, तो बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे के ईडी को प्रॉपर्टियों को लिक्विडेट करके डिपॉजिटर को देने के लिए डायरेक्शन दिया था। तो ईडी में अगर मान लीजिए सीज भी कर ले तो हमारे पास चांस है, अगर हम लोग जाके इंटरवेन करेंगे तो आज नहीं कल नहीं एक महीने बाद भी इंटरवेन करेंगे तो हम लोग फेवरेबल ऑर्डर ले सकते हैं कि ईडी की प्रॉपर्टी कैन बी लिक्विडेड एंड इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिपॉजिटर्स। अब ये बताइए कि ये कार्रवाई करने के लिए क्या कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत है कि कमेटी के थ्रू इसको अप्रोच किया जाए, वो कमेटी हैंडल करे? देखिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, इसमें दो तरह के इन्वेस्टर्स, एक छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं। छोटा इन्वेस्टर ऑलरेडी परेशान हो गया, ऑलरेडी परेशान है क्योंकि वो एक मंथली इनकम में के लिए वो डिपेंड था, वो तीन चार महीने से मंथली इनकम भी नहीं आ रही, तो उसकी वो ऑलरेडी कमर टूट चुकी है। तो इसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग आगे बढ़ेंगे, और जो भी मैं बता रहा हूँ जो भी लीगल कोर्स, वो मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आइए या मुझे केस दीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने ये लीगल स्टेप्स बताए, आप वो लीगल स्टेप जाके एक 10-15-20-30-50 लोग, मैक्सिमम 100 लोग आप मिलो, एक छोटा ग्रुप मिलो, तो जितना आप ग्रुप ग्रुप मिलेंगे तो क्या होगा, आपका जो एक्सपेंसेस डिवाइड होंगे, वो ग्रुप में आप लोग एक छोटे से एक टीम बनाओ, वो टीम बना के आप कॉम्पिटेंट एडवोकेट से जाके डिस्कस करो, देखिए ये एडवोकेट ताहिर ने ये सब पॉइंट्स बताए हैं, अब आपको क्या राय है, डिस्कस करके अगर आपको वाइबल लगता है तो आप उसको एक फैसला उसमें लेके आगे चलो। और इसमें कुछ लोग, मैं सुना है कि कुछ एसोसिएशन बनाना, ये करना वो करना, ये सारे जब भी कोई ऐसा इशू होता है ना, बहुत सारी दुकानें खुल जाती हैं, तो ये सब दुकानें हैं, इसमें कोई किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई छोटा ग्रुप भी, कॉम्पिटेंट ग्रुप भी आगे बढ़े, कोई स्टेप लेगा तो उसको सबको फायदा होगा। मगर प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, ये इन्वेस्टर्स का, ये डिपॉजिटर्स का प्रॉब्लम क्या है, ये कोई भी अपने आप को स्टेप लेने को तैयार नहीं है जी। तब ये बताइए कि अगर मान लो कोर्ट में जब कार्रवाई चलेगी तो मैक्सिमम एक महीने में एक हियरिंग या दो हियरिंग, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता है ना? नहीं नहीं देखिए, ये एक दो हियरिंग वो जो हम लोग देखते हैं वैसा नहीं होता। असल में अगर केस सही से आ गया, कोई अच्छे जज के सामने केस आया, जो कि आमतौर पर हाई कोर्ट के अंदर आता है, तो ग्रेविटी को देख के वो शॉर्ट हियरिंग्स होएगी और बहुत जल्दी डिसीजन निकलेगा। मगर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट का विक्योरस लाइबिलिटी के में जो हम लोग जाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ से हम जो क्लेम करेंगे डैमेजेस, तो वो क्या होगा, ये गवर्नमेंट ऑल्सो विल फाइट विद टूथ एंड नेल, तो दे विल नॉट कंसीडर वेरी इजली। तब वो क्या होगा, एक अच्छे, बहुत अच्छे एडवोकेटों को रखना पड़ेगा, उनको हायर करना पड़ेगा, उनका एक अपना एक्सपेंस होता है,
फिर वो फिर उसके स्टेजेस हैं, आप रिट पिटीशन फाइल करोगे, उसमें अगर आप हार गए और मायूस हो गए तो फिर मायूस होने की जरूरत नहीं है, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना है, रिट अपील जाना है, रिट अपील में भी हार गए तो आपको उसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये तीन स्टेजेस हैं, इन तीन स्टेज का अपना एक स्वीट टाइम होता है, अपना एक एक्सपेंसिस होता है, ये छोटे इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 50 लाख या 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ऐसे 150 भी इन्वेस्टर्स आ गए तो ये सब पूरे एक्सपेंसिस जो स्टेज लेवल पे मैं आसानी से कर सकता, और इनका फायदा क्या होगा, हर छोटे बड़े इन्वेस्टर को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस दोनों पॉइंट पे रोशनी डालने के लिए। इंडियन मीडिया देखते रहिए और शेयर कीजिए, दूसरे तक न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन मीडिया बुक को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके पास अगर कोई भी खबर है, कोई जानकारी है, कोई न्यूज़ है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम उसकी तहकीकात करके अपने मीडिया चैनल पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिससे ये खबर दूसरों तक पहुंच सके।